हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे। मैं सचिन शुक्ला आपको मैथ्स पढ़ाता हूं। जैसा कि आप जानते हो कि 15-16 अक्टूबर को हमारा पेट का एग्जाम है, जिसमें करीब 38 लाख बच्चों ने फॉर्म भरे हैं, उसमें से हम भी हैं और आप भी हैं। और ये जो हम मैं क्वेश्चन लेके आता हूँ मैथ के, तो मैं इस टाइम बच्चों ना प्रैक्टिस सेट कराने का सोच रहा हूँ। 20 से 25 क्वेश्चन आपके पर डे के होंगे, ठीक है ना, जिसमें 20 नंबर की आपकी DI, मतलब केवल DI, 10 नंबर की और 10 नंबर की जो आपका टेबुलेशन होता है, टोटल मिला के 20 नंबर की DI और 5 नंबर के जो अदर क्वेश्चन हैं जो कि अर्थमेटिक से आते हैं, वो मैं कराऊंगा। मैंने ऐसा सोच रखा है और आपके लिए भी सही है ये, क्योंकि इससे आपके 25 क्वेश्चन रोज तैयार होंगे, हर तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आज थोड़ी असुविधा के कारण जो अर्थमेटिक के 5 क्वेश्चन है वो मैं नहीं लेके आ पाया, लेकिन हाँ 4 DI में पूरी आपके लिए लेके आया हूँ। आप उसे देखो, समझो और सीखो, ठीक है बच्चों? और कुछ बताने को भी है नहीं, बीच बीच में बात करते रहेंगे। चलिए अभी के लिए हम शुरू करते हैं। आपने देखा कि ये डेटा सामने दिया हुआ है, क्या बोला है पहले पढ़ लो। उसने कहा है निम्न सारणी को ध्यान पूर्वक पढ़िए एवं प्रश्नों के उत्तर दीजिए। विभिन्न फैक्ट्रियों में स्कूटरों का वार्षिक उत्पादन, देखिए साल कितने दिए हैं, 1985, 86, 87, 88 और 89, और ये फैक्ट्री हैं PQRST, 5 फैक्ट्री हैं। और यहाँ पे देखिए हर साल में कितना उत्पादन हुआ है, सबका योग दिया है ना बच्चों? आई होप आपको इतना तो इसमें क्लियर हो गया होगा, और कुछ इसमें जानने की जरूरत भी नहीं है। ये तो हो गया इसका डेटा, आते हैं क्वेश्चन पे। आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा बच्चों। क्वेश्चन क्या कह रहा है पढ़ते हैं। ये हमारा DI है, ये क्वेश्चन है, कह रहा है किस वर्ष में, किस वर्ष में सभी फैक्ट्रियों के स्कूटरों का उत्पादन 1985 से 89 की समयावधि में हुए औसत वार्षिक उत्पादन के बराबर था। ठीक है बच्चों, खुद देखिए वर्ष की बात कर रहा है, मतलब इनकी बात कर रहा है, ठीक है ना, ना कि कंपनी की। लोग कहीं नाम लिया नहीं लिया, तो हम केवल ये वर्ष देखते हैं। करेक्ट, किस वर्ष में, मतलब इसमें 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 या इसमें, इसमें से कोई एक आंसर होना चाहिए। देखिए 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए हुए हैं। आपने देखा औसत वार्षिक उत्पादन किसका, 85 से 89, तो इन सबको जोड़ ले, या तो भाई पूरा पूरा जोड़ो, है ना। तो देखिए पहले से ही टोटल सबका दिया हुआ है, तो मुझे ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, मुझे केवल यही लाइन जोड़नी होगी। जोड़ने का आसान तरीका क्या है, केवल देखते जाओ, 1, 2, 3, 3, 9, 12, 12, 8, 20, 20, 5, 25, बचा 2, 2 रखोगे, 2, 2, 4, 6, 6, 1, 7, ठीक है, बचा क्या, कुछ नहीं। फिर 1, 2, 3, 4, 5, 575 मेरा योगफल आया है। औसत के लिए हम 5 से ही डिवाइड कर देते हैं, जब इसे काटेंगे तो हमारा आएगा 115। ये हमारा क्या निकल के आ गया, ये हमारा औसत आ गया है। अब देखो बच्चों, यहां से मुझे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि जो औसत निकल आया है वार्षिक उत्पादन के बराबर था, किस वर्ष के। तो आप देखोगे तो 1985, मतलब देखिए मेरा पहला वाला ही जो ऑप्शन है वही हमारा आंसर है, 1985। उसमें दिखा रहा है कि 115, देखो दिया है 115, हमारा एवरेज भी आ गया, मतलब यही हमारा आंसर हो गया। देखो हमें यहाँ क्या क्या बचा के चलना है वो जान जाओ। हमें औसत याद रखना है कि हमारा औसत कितना आया है, 115 आया है, ठीक है ना, क्योंकि क्योंकि आगे भी आपको काम आएगा, ये कंफर्म है। अब चलो अगले क्वेश्चन को देखो। ये बच्चों थोड़ी प्रॉब्लम कर रहा है, बच्चों एक मिनट का टाइम दीजिए, थोड़ा प्रोसेसिंग में प्रॉब्लम हो रही है, कोई बात नहीं, खुल गया है। ये वाला हमने आंसर लगा लिया था, इसमें 1985 था। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे आ रहे हैं, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। इससे पहले हम ध्यान से पढ़ेंगे इसमें हमसे पूछ क्या रहा है। मुझे पता है कि एवरेज कितना है, 115 है, ठीक है ना। कह रहा है अगला क्वेश्चन कि वर्ष 1988 की तुलना में किस फैक्ट्री या फैक्ट्रियों ने वर्ष 1989 में स्कूटरों के उत्पादन में
25% की कमी की थी। बच्चों आप हमेशा एक बात जान लो, अगर उसने 1988 की बात कर दी है, 1988 की तुलना में किस फैक्ट्री ने 1989 में, मतलब ये डेटा और इससे ये चेक करेंगे, है ना, तो 1988 में उसने कुछ उत्पादन किया हो, 1989 में उसने उससे 25% कम किया है। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका होता है ऑप्शन, क्योंकि इसे लगाओगे ना तो इसमें आपका बहुत टाइम जाएगा, लेकिन आप ऑप्शन देख लो, कोई ऑप्शन चार में से कोई एक सही होना है। तो हम चेक करते हैं, अगर हम पी ले लें, पी को बच्चों चेक करोगे, पी ये है और 13 से 17 हुआ, तो आपने यहाँ गौर किया कि 13 से 17 हो गया, मतलब 4 बढ़ गया, जबकि यहाँ क्या बात कर रहा है, कमी की बात कर रहा है, ठीक है ना, इसका मतलब पहला हमारा आंसर नहीं होगा। अगर हम एस देखें, एस बच्चों ये है, देखो 12 से 22 हो गया, यहां भी वृद्धि हो गई, मतलब ये भी हमारा गलत है। देखो दो ऑप्शन आपके ऐसे ही एलिमिनेट हो गए, बचा क्या सी, क्यू और आर, इसमें चेक करते हैं। अगर मैं क्यू को देखता हूं तो क्यू 20 से 15 हो गया है, मुझे पता है कि प्रतिशत कमी कैसे निकालते हैं, 20 माइनस 15 बटे, जब कमी हो दोनों में से बड़ी संख्या, इनटू 100, है ना बच्चों, इसे जब हल करोगे तो 20 पंजे 100 और 20 में से 15 गया 5, तो 5 × 5 कितना आ गया, 25% हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना, मतलब ये है कि Q में 25% आ रहा है। इसी तरह R चेक कर लेते हैं, R देखेंगे तो 16 से कितना हो गया है, 16 से 12 हो गया है, कमी है तो दोनों में से बड़ी संख्या, इंटू 100, है ना बच्चों, तो 16 में से 12 गया, कितना आ गया, 4 आ गया, बट 16 × 100, है ना, 4 × 16, इससे कटा कितना आ गया, 25 आ गया, इसका मतलब दोनों में कितना कितना आ रहा है, 25% आ रहा है, इसका मतलब हमारा सी क्या है, राइट आंसर है। देखो बच्चों जहां पे डेटा ज्यादा पूछे ना, वहां पे ऑप्शन का पूरा फुल टू इस्तेमाल करिए, जिससे आपका टाइम बचेगा, और यहाँ पे सब टाइम का ही खेल है ना, डीआई तो हर बच्चा लगा लेगा, कम से कम 15-16 क्वेश्चन तो हर बच्चे के लग जाने हैं इसमें, ठीक है ना, केवल 3-4 में ही डाउट होना है, जिसका कम समय लगेगा वही उसे आगे मैनेज कर पाएगा। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, बच्चों ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपने देखा कि 1985 में फैक्ट्री पी में, डेटा उठा तुरंत देख लो, 1985 में फैक्ट्री पी में कितना है, 20 है, हमने लिख लिया अपनी सुविधा के लिए, में हुए स्कूटरों के उत्पादन का फैक्ट्री टी में हुए स्कूटरों के उत्पादन से अनुपात पूछा। ये तो बहुत आसान है, 1985 में पी में हुआ है 20, तो टी में कितना हुआ, टी में हुआ है 40। भाई जिसका जहां जहां पूछे वहां रख दो, या तो इसे ऐसे लिखो वरना इसे ऐसे लिख दो, 20:40। देखो ये 0 कट गया, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, मतलब कितना आंसर आ गया, 1:2 आ गया, है ना। और देखिएगा बच्चों इस अनुपात से, रेशियो से आपके 3 से 4 क्वेश्चन डीआई के अंदर, चारों डीआई मिला के आपसे पूछेगा जरूर, ये कंफर्म है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों ये थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, बच्चों हमारे 4 क्वेश्चन लग गए थे, हम आएंगे 5वें क्वेश्चन पे, नहीं जब 4था क्वेश्चन करना है अभी, ठीक है ना, ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं, आसान है। तेरा किस वर्ष स्कूटरों का कुल उत्पादन सर्वाधिक था, बच्चों ये इससे आसान क्वेश्चन आपको डीआई में नहीं मिल सकता, आप खुद देखो किस वर्ष अधिकतम था, सब स्कूटर ही तो है, देखो 1985 में 115 है, 1986 में 108 है, 1987 में 149 है, 1988 में 102 है, 1989 में 101 है, तो 1987 मतलब सी ऑप्शन ऐसा है जिसमें 149 कितना उत्पादन था, 149 मतलब सबसे अधिक यही है, यही हमारा आंसर है। देखो कितनी आसानी से सवाल लग गया। अब आते हैं इसके 5वें क्वेश्चन पे, 5वां क्वेश्चन ये रहा, क्या कह रहा है पहले पढ़ते हैं, कह रहा है किस वर्ष सभी फैक्ट्रियों के स्कूटरों का कुल उत्पादन समयावधि 1985 से 89 में हुए स्कूटरों के कुल उत्पादन का 20% था। अगर बच्चे आपने पहला क्वेश्चन देखा होगा तो उसमें आपको मालूम चला था कि टोटल कितना बना था, 575 बना था, याद होगा ना, का 20%, मतलब 575 का अगर मैं 20% यहां पे ही निकाल लूं,
ठीक है, निकाला मैंने तो क्या हो, 20 एक कम 20, 20 पंजे तो 5 से ये कट जाएगा, कटेगा कितना आएगा 115, ठीक है ना बच्चों, 115 निकल के आया, मतलब 575 का 20% किस वर्ष सभी फैक्ट्रियों के स्कूटरों का कुल उत्पादन, तो देखो कि पहला वाला ही 1985 का जो है 115 वही इसके क्या है, वही इसके समान है या बराबर है। इसका मतलब हम इसमें कह सकते हैं कि इस डीआई में पहला और लास्ट वाला दोनों क्वेश्चन सेम थे, ठीक है ना, वहां पे केवल औसत बोल दिया था और यहाँ पे 20% बोला, जबकि 20% वैल्यू उसी के बराबर थी। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम चलेंगे अगली डीआई पे, क्योंकि पहली डीआई हमने कंप्लीट कर ली। डीआई हमारे सामने ये दी है, आप देखोगे बच्चों ये इंटरवल वाले क्वेश्चन है, ठीक है ना, बहुत कठिन नहीं आएगा, नॉर्मल बेसिक आएगा, लेकिन हाँ ये है कि आपको आना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। देखो बच्चों ये क्या है ना, इसने आयु समूह दे रखा है, आयु समूह मतलब वर्षों में, मतलब पहला वाला दिया है 0 से 15 तक कितने परसेंट लोग हैं, जो प्रतिशत में दिया है ना, 16 से 25 में कितने परसेंट लोग हैं, 26 से 35 में कितने परसेंट लोग हैं, 36 से 45 में, 36 से 45 वर्ष में कितने लोग हैं, और 46 से 55, 56 से 65 और 66 से उससे ऊपर, ओवरऑल 100% जनसंख्या है, ठीक है ना बच्चे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन हम ध्यान से पढ़ेंगे, कह रहा है राज्य में, कोई राज्य होगा में किस आयु समूह की जनसंख्या अधिकतम है, बेटा जिसके सबसे ज्यादा परसेंटाइल होगा किसका है, देखो 15 तक ऑप्शन में है नहीं है, मतलब इसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, आपको ऑप्शन भी देखना पड़ेगा। उसके बाद हम 16 से 25 चेक करें तो 17-75% है, मतलब चेक करते हैं आगे, फिर या तो लिख देता हूं आप खुद देखोगे 16 से 25 में कितना है 17.75% लोग हैं, 26 से 35 में कितना है 17.25% लोग हैं, है ना बच्चों, 36 से 45 में कितना है 14.50% लोग हैं, ठीक है ना, और 56 से 65 कितना है 5.12% लोग। अगर इन चार ऑप्शन में हम आंसर माने तो आपको मान चलेगा अधिकतम किस में आ रहा है, 16 से 25 में आ रहा है, और अगर क्वेश्चन में देखा जाए या डीआई में देखा जाए तो 15 साल की एज के कितने 30% लोग हैं, मतलब अधिकतम तो यही है, लेकिन ऑप्शन में क्या दे रखा है 16 से 25 अधिकतम दे रखा है, ठीक है ना, तो इसको समझने में आपको कोई समस्या नहीं हुई होगी। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखो बच्चों अगला क्वेश्चन, निर्देश पढ़ने की जरूरत तो वैसे नहीं है, पहले ही पढ़ना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है प्रत्येक 4200 व्यक्तियों के लिए 26 वर्ष से कम आयु वाले व्यक्तियों की संख्या, देखो बच्चों प्रत्येक 4200 का मतलब यहाँ ये है कि अगर टोटल इस राज्य की जनसंख्या कितनी हो 4200 हो, ठीक है ना, अगर टोटल जनसंख्या 4200 हो तो 26 वर्ष से कम आयु वाले व्यक्तियों की संख्या, देखिए सब परसेंट में बटा हुआ है, मुझे पता है कि 26 से कम अगर बोल रहा है इसका मतलब 16 से 25 या जो 15%, मतलब 0 से लेके 25 साल की एज वाले लोगों की बात कर रहा है, ये तो आपको सब्जियों समझ में आया होगा, इसमें कोई डाउट है भी नहीं। अगर 26 वर्ष से कम की बात कर रहा है मतलब 26 वाला हम काउंट ही नहीं करेंगे, केवल 25 साल तक, कोई कहे कि मेरी जो एज है वो 26 से कम तो कितनी हो सकती है, 25 साल 11 महीने 30 दिन 31 दिन है ना, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वो 25 लेके चल रहा है, ठीक है, उसने 26 छोड़ दिया है, तो हमने देखा 26 से कम, तो मैंने देखा इसमें कि 17-75 और 30% है ना, ये दोनों परसेंट का हमको जनसंख्या उसने जाननी है, ये हमसे पूछा है, जब इसको आप जोड़ोगे ना तो निकल के आएगा 47.75% आएगा। मुझे पता है कि जो 4200 है ना वो कितना है, वो 100% के बराबर है, तो अगर चाहो तो यहां से दोनों जीरो काट के 1% का वैल्यू आप निकाल सकते हो, कितना आ जाएगा 42, अगर 1% का 42 है तो 47 का कितना होगा, या 47.75 का कितना होगा, चाहो ना बच्चों तो उसने लगभग में लिख रखा है, आप लगभग को थोड़ा और ब्रॉड कर लो, ब्रॉड क्या करोगे आप, थोड़ा दिमाग लगाओ, खुद देखो कितना डिफरेंस सब में दिया हुआ है, है ना, इसका मतलब अगर हम 47-75 को लगभग में 50% मान लें, दो जबरदस्ती का काम है, लेकिन इसका फायदा मिलेगा, क्यों भाई 4200 था कि नहीं था, 42 था 1% का, 50% तो 42 × 2100, अब देखो इसके नजदीक यही है 2006, क्योंकि भाई 2100 ज्यादा आएगा, क्यों, क्योंकि हमने 47-75 को 50% मान लिया है। देखो बच्चों आप समझ तो चुके हो ना क्या करना है, लेकिन कैसे टाइम बचेगा आपको,
आपको यह भी देखना है ना, तो टाइम बचाने का बहुत अच्छा तरीका है। ऑप्शन देख के आप कैलकुलेशन को कम से कम में निपटा सकते हो। आई होप आपको ये लाइन जरूर समझ में आई होगी, ठीक है ना। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, क्या कह रहा है ये पढ़ते हैं। कह रहा है यदि 36 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों की संख्या 200 मिलियन है तो आयु समूह 56 से 65 में कितने मिलियन व्यक्ति होंगे। हमेशा ध्यान दो बच्चों, जब से कम पूछे मतलब 36 से कम, इसका मतलब यहां तक 35 साल की एज तक के लोगों की बात कर रहा है, मतलब इस पूरे की बात कर रहा है ना। तो देखो 30 प्लस 17 75 प्लस 17 25, इसको जोड़ेंगे कितना आएगा, इसको जोड़ेंगे आएगा 65%। कितना आएगा बेटा, 65% आएगा। अगर कह रहा है कि 65% का वैल्यू 200 मिलियन है, अच्छा चीज ध्यान रखो कि 200 केवल लिखो, मिलियन को मत देखो, वो सब बाद में कट जाना है, तो उसको देख के परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर 65% 200 मिलियन के बराबर है तो पूछा आयु समूह 56 से 65 में कितने मिलियन व्यक्ति हैं। 56 से 65 में आप देखोगे 5.12% लोग हैं। कितना है, 5.12% के आसपास लोग हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं यहां से 1% निकाल लूं और इसको बाद में गुणा कर दूं तो हमारे आंसर मिल जाएगा। अच्छा करके देखते हैं, हमने देखा हमने इसको इधर बुला लिया तो 1% किसके बराबर आया, 200 बटे 65 इंटू 5.12। अब देखो समय कैसे बचेगा, इस पॉइंट को जैसे ही आप हटाओगे तो क्या हो जाएगा, बटे में 100 आ जाएगा, ये दोनों जीरो इससे कट जाएंगे, कट जाएंगे ना, ठीक है ना। अब देखो 2 को 512 से इंटू कर दो, कितना आ जाएगा 1024 आ जाएगा, बटे में क्या है 65। जब आप इसे हल करोगे तो आप देखोगे कि इसका आंसर करीब 15.75 के आसपास आ रहा है, ठीक है ना। आप जरूर इसे सॉल्व करिए, इसका आंसर इतना ही आना है। मैंने अभी कर लिया था इसीलिए मैंने यहाँ पे नहीं किया, क्योंकि तो बहुत बेसिक है, आप 1024 को 65 से डिवाइड तो कर ही सकते हो, है ना। हम चलते हैं आगे। आई होप आपको ये वाला भी क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है यदि 56 वर्ष और उससे अधिक आयु समूह में 10 मिलियन व्यक्ति हैं तो आयु समूह 16 से 25 और 46 से 55 के व्यक्तियों की संख्याओं का अंतर, अंतर का मतलब बच्चों डिफरेंस। इसका मतलब अगर मैं पहले ही इनका डिफरेंस निकाल लूं, 16 से 25 में आप देखोगे कितना है, 17.75 है, ठीक है ना, और 46 से 55 में कितना है, 14.25 है, ठीक है ना बच्चों। जब इसे सॉल्व करोगे तो आएगा 3.50% इन दोनों का डिफरेंस है, मुझे इसी का वैल्यू जानना है। अब पहले वाले की बात कर रहे हैं, कह रहा है यदि 56 वर्ष और उससे अधिक आयु समूह, जब इसकी बात करता है तो आप देखोगे कि 55 तक तो यहां हो गया, यहां तक की बात कर रहा है 56 से 65 ये पूरा वाला, तो देखोगे 5.12% तो 56 से 65 और 66 और उससे ऊपर कितना है 1.13, तो 3, 2, 5, 1, 1, 2, 5, 1, 6, 6.25% का मुझसे वैल्यू उसने पूछ लिया है, ठीक है ना बच्चों। नहीं सॉरी 6.25% का वैल्यू दिया है, कितना 10 मिलियन केवल 10 लिख दो, और पूछा किसका है 3.50 का। आप चाहो ना बच्चों तो यहाँ भी आप केवल ट्रिक से इसे कर सकते हो, आपको कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है। आप खुद देखोगे कि 6.25 ना लगभग लगभग इसका दोगुना है, दोगुना है, इसीलिए जनसंख्या भी दोगुनी होगी। अगर हम पीछे बढ़ें और इसको आधा कर दें, मतलब 3.50 के पास पहुंचा दें, तो इसका आधा हो जाएगा, इसका आधा लगभग 5 होगा। देखो 5 के नजदीक कौन सा है, 5.6 मिलियन। देखिए आपका कितना समय बच गया, कुछ करना पड़ा, कुछ करना ही नहीं पड़ा, ना कैलकुलेशन ना कुछ, केवल ऑप्शन देख के टिक मार दिया, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि आपको ऑप्शन देखते रहना चाहिए, आपका बहुत समय बचेगा, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों इसका 10वां क्वेश्चन, कह रहा है यदि आयु समूह 46 से 55 और 26 से 35 के व्यक्तियों की संख्याओं का अंतर 11.75 मिलियन है। अब बच्चों मुझे मालूम है, मैंने बताया था कि अंतर का मतलब दोनों का डिफरेंस, अगर 46 से 55 देखोगे तो 14.25 है ना, और 26 से 35 में कितने हैं 17.25, तो भैया अंतर बोला है तो अंतर ही तो निकालोगे ना, अंतर निकालोगे। अच्छा देखो कभी भी ये पॉजिटिव में रहेगा, निगेटिव में थोड़े जाएगा, जनसंख्या कभी निगेटिव में जा सकती है, नहीं, आप घटाओगे आपका आएगा 17
17 25 है, हाँ 17 25 है, मतलब आएगा 3% का वैल्यू कितना दिया है, 3% का वैल्यू हमको दे रखा है 11.75। और मुझसे पूछा क्या है, राज्य की कुल जनसंख्या, मतलब कितना 100%, कितना 100%। इसका मतलब अगर मैं 1% निकाल लूं और बाद में इंटू 100 कर लूं तो हमें आंसर मिल जाएगा। हमने 3 से जब इसको डिवाइड दिया तो हमने देखा 3 3 9 बचा 2, 2 और 7 3 9 27। अब जो 27 पूरा कट गया, फिर 5 बचा, तो 3 एकम 3 क्या, 3 एकम 3 2 बचा 0 लिया, 3 6 18। आप खुद देखोगे 391.67। आप केवल 3 ही कर लेते ना, 2 संख्या से, तब भी आपको आंसर मिल जाना चाहिए था, है कि नहीं। तो आपका समय कैसे बचेगा, ऐसे ही बचेगा, दो दो लाइन में देखो आंसर आ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं टेबुलेशन, मैंने दोनों ही टेबुलेशन के ही कराए हैं, इससे आपको 10 नंबर मिलने पक्का है, ठीक है ना। अगर आप इसे पढ़ के जाओगे तो आपको 10 नंबर कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है। अब ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, ये पाई चार्ट का है। आपने देखा ये वृत्त बना हुआ है और वृत्त पूरा 100% होता है, आपको पता होना चाहिए। 100% में ही स्प्लिट कर दिया गया है, छपाई व्यय, कागज पर व्यय, विविध व्यय 5% है, रॉयल्टी 15% है, विज्ञापन पर व्यय कितना है 18%, और जिल्द साजी पर व्यय कितना है 12%। इसे ही हमें सॉल्व करना है। कह रहा है यदि पुस्तक की 5000 प्रतियां छापी गई हों, विविध व्यय 1500 रुपए हुआ हो, तथा प्रकाशक 25% का लाभ चाहता हो, तो पुस्तक की एक प्रति का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बच्चों कठिन नहीं है, बस थोड़ा घुमावदार है, आप ध्यान से पढ़ोगे आप इसे जरूर कर लोगे। मुझे पता है कि 5000 जब प्रतियां छापी गई हैं तब विविध व्यय कितना आ रहा है, तब विविध व्यय 1500 रुपए आ रहा है, और मुझे पता है कि विविध व्यय कितना है 5%। इसका मतलब 5% किसके बराबर हो गया 1500 के, हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना बच्चों, मतलब 5% किसके बराबर हो गया 1500 के। और कह रहा है तथा प्रकाशक 25% का लाभ भी चाहता हो। मुझे ये मालूम बच्चों कि अगर 5% 1500 के बराबर है, ठीक है ना, इसका मतलब 1%, या तो अगर 1% ना निकालो, आप केवल इतना जान लो कि जो 1500 रुपए हैं, कितने 1500 रुपए, ये 5000 प्रतियों पे खर्चा हुए हैं, तो यहां से मैं एक प्रति का मूल्य निकाल सकता हूं ना, कितना खर्चा होगा, मैं निकाल लेता हूं। मैंने सीधे 5000 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, देखो ये दोनों जीरो कट गए, और क्या कटेगा, 5 3 15, 5 10 50, पॉइंट लगाओगे ऊपर कितना आएगा 30 पैसे आएगा, 30 पैसे 5% के बराबर निकल के आ गया, कितना आ गया 5% के बराबर आ गया। इसका मतलब अगर मैं यहां से 100% निकालना चाहूं तो 100% कैसे निकालोगे, 20 से गुणा करके, अगर आप इंटू 20 कर दोगे, है ना, किसमें 5 में, तो यहां 100% बन जाएगा, और 100% की वैल्यू, अच्छा जब 5 से इधर गुणा करोगे 20 से तो इधर भी कर दोगे, ये थोड़ा गड़बड़ कर रहा है, इधर भी 20 से गुणा कर दोगे, 20 3 60, है ना, मतलब कितना आया 6 रुपए आ गया, 100% मतलब 6 रुपए के बराबर आ गया। इसका मतलब एक किताब को बनाने में कितना, केवल 6 रुपए का व्यय हो रहा है। यहां तक तो बच्चों यही है, अगर मैंने कुछ गड़बड़ लिखने में ना की हो। उसके बाद कह रहा प्रकाशक कितना चाहता है, 25% का लाभ भी चाहता है। इसका मतलब 6 रुपए जो है वो तो उसकी कॉस्ट वैल्यू है, या कहें सीपी है, है ना, लागत मूल्य है। अगर मुझे इस पे कितना लाभ कमाना है 25%, इसका मतलब हर चीज अपने आप में पहले से 100% होती है, कितनी होती है बच्चों 100% होती है, तो मुझे यहाँ पे 125% का वैल्यू जानना है, सही है ना। आप काटोगे कटेगा, देखो 25 पंजे 125 और 25 चौके 100, 6 पंजे 30, 30/4 इसे डिवाइड करो कितना आएगा 7.5 रुपए आएगा। मतलब अगर प्रकाशक 7.5 रुपए 6 रुपए की वस्तु 7.5 में बेच देगा तो उसे 25% लाभ भी हो जाएगा। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखते हैं। देखो बच्चों ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है पहले पढ़ो, ये तो आप जानते हो, केवल यही पढ़ना है। यदि विविध व्यय 1500 रुपए हो तो विज्ञापन पर बताइए कितना व्यय हुआ। मुझे पता है कि 1500 रुपए अगर व्यय हुआ है, और जिसका यहां पे देखा जाए इस चार्ट में, तो 5% की वैल्यू के बराबर दिया गया है, 5% बराबर है 1500 के। तो विज्ञापन, अगर आप विज्ञापन यहां चेक करने जाते हो तो आपको मान चलता है कि विज्ञापन पर कितना व्यय हुआ है या कितना खर्चा हुआ है,
18% खर्चा हुआ है, है ना, 18% हुआ कि नहीं हुआ बच्चों? तो आप चाहो तो 5% बराबर है 1500 के, तो 1% किसके बराबर होगा, 5 × 3 = 15, है ना, मतलब 1% किसके बराबर है, 300 के बराबर है, 1% 300 के बराबर है, और मुझे निकालना कितना 18%, तो सीधी बात है अगर हम 300 को 18 से गुणा कर देंगे तो 18 × 3 = 54, मतलब कितना रुपया, 5400 रुपए, कहा गया लास्ट वाला डी वाला, 5400 रुपए इसका आंसर हो जाएगा। बच्चों आप देख रहे हो कि कह रहे हो कि थोड़ा आसान है, आसान नहीं है, ये करने के तरीके हैं इसलिए थोड़ा आसान ये बन गया है, ये आसान नहीं है, ठीक है ना बच्चों, आप भी ऐसे करोगे तो आसानी से वहां पे कर लोगे। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन कोई बच्चों टफ नहीं होता, ठीक है ना, ये बच्चों थोड़ा दिक्कत कर रहा है, आप थोड़ा मैनेज कर लीजिए। अच्छा हाँ, ये वाला एक क्वेश्चन रह गया था, कह रहे बच्चों थोड़ी सी टेक्निकल फॉल्ट के बाद हम कंटिन्यू कर रहे हैं, क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि छपाई व्यय का रॉयल्टी से अनुपात पूछा गया है, मुझे पता है कि छपाई व्यय कितना है 35%, चाहो तो आप यही सही अनुपात निकाल लो, और रॉयल्टी कितना है, रॉयल्टी आप देखोगे तो दिया है 15%, ठीक है ना, अब आप खुद देखोगे दोनों बटे में तो कट ही जाएंगे परसेंट, और कुछ कटेगा, हाँ 5 से कटेगा, 5 × 15 = 5 × 35, मतलब हमारा आंसर क्या आ रहा है, 7 × 3, आई होप आपको ये तो बहुत ही आसान था, आप तो देख के ही जान गए होंगे। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब ये क्वेश्चन देखो आप, कह रहा है यदि छपाई व्यय 10,500 रुपए हो तो कागज पर व्यय बताइए, मुझे पता है कि छपाई व्यय कितना दिया गया है, तो छपाई व्यय हमको दिया गया है 35%, अगर 35% का वैल्यू 10,500 रुपए निकल के आ रहा है तो, और कागज पर पूछा है, कागज पर आप देखोगे ना तो कागज पर कितना दिया गया है 15%, है ना, कितना दिया गया है 15% दिया गया है, तो यहां से आप चाहो तो 1% का वैल्यू या 5% का वैल्यू निकाल सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे, मैंने काटा तो देखा 35 × 35, 35 × 3 = 105, ठीक, और 2 जीरो आ गए, मतलब 1% का वैल्यू 300 रुपए के बराबर है, और मुझसे 15% का वैल्यू पूछा है, तो 15 × 3 = 45, मतलब आंसर हमारा क्या हो गया, ए वाला हो गया, नहीं हो गया, कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बच्चों ये क्वेश्चन देखते हैं, ये आज हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए तथा इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जिल्द साजी परिवय के लिए कोण की माप, ऐसा एक क्वेश्चन आपको आ सकता है, बहुत ही इजीली आप इसे कर भी लोगे। जिल्द साजी परिवय, आपको मालूम है जिल्द साजी क्या होती है, ये जो 12% दिया है ना, ये है, अच्छा कोण की माप इसका मतलब क्या है ना, कहीं तो इसमें जो कोण है उसकी बात होगी, मुझे पता है कि ओवरऑल कितना होगा, 360 डिग्री होगा, है ना, होगा नहीं होगा, मैंने आपको बताया था कि 12% दिया है तो पहले इसे संख्या में बदलो, तो हमने क्या किया 12/100 कर लिया, है ना, जब 12/100 हमको मिल जाता है और इसे अगर हमें पाई में बदलना है तो हम क्या करेंगे 360 से ही गुणा कर देंगे तब ये पाई में बदलेगा। आप खुद सोचो किसी चीज में आपको मिलाना है तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे उसमें, वो मिल जाएगा, ठीक है ना, मैंने भी वही किया है। अब देखो क्या क्या कट रहा है, इस जीरो से इस जीरो कट जाएगा, ठीक है ना, और क्या कटेगा, तो आप 2 से काट लेते हैं, 2 × 5 = 10, ठीक, ये कटेगा 2 × 6 = 12, अभी भी करना पड़ेगा,
मुझे पता है कि 36 पंजे 180 होता है और 180 मतलब 216 बटे 5। जब इसे आप सॉल्व करोगे तो 5 चौके 20, बचा 1 और 6, 5 तीन 15, बचा क्या 1 और 0, 5 दुनी 10, मतलब 43.2 डिग्री। देखो ये वाला सी वाला ऑप्शन है, हो गया ना बच्चों। कितना आसानी से आपने सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। आज 15 ही क्वेश्चन थे, कोई बात नहीं, आगे हम इसका काउंट जो है बढ़ाते जाएंगे, उसकी आप टेंशन ना लीजिए, ठीक है ना। आपको इतना समझ में आया यही बहुत बड़ी बात है। अब बच्चों मैं फिर आपको बता रहा हूं, मैं रोज आपके लिए इसी तरह की डीआई लेके आता रहूंगा और आप पेट तक लगातार जो भी आपके 15 दिन बचे हैं उनको आप अच्छे से मैनेज करो, जिससे आप वहां 20 नंबर तो ये आपके कभी गलत होने ही नहीं चाहिए। और 5 नंबर कल और भी मैं लेके आऊंगा जो मैंने आपको बताया है अरिथमेटिक के, ठीक है ना, वो भी आपके बहुत काम आने वाले हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, बाय क्लास।